नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साथ न्यू रेसिपी के साथ। तो दोस्तों चलिए रेसिपी को बना लेते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान। ये रेसिपी सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। आप सभी का स्वागत है इसी कावाईटी में। तो चलिए दोस्तों रेसिपी को बनाते हैं देर ना करते हुए। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आधा किलो पनीर ले लिया है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं कट करने हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और अब मैंने फ्रोजन मटर ले लिया है, 250 ग्राम के करीब है। और मैंने 7 से 8 टमाटर की प्यूरी बना ली है और मैंने 4 अनियन की भी प्यूरी बना करके तैयार कर ली है। और मैंने एक बाउल में 6 से 7 लहसुन की कलियों को चॉप कर लिया है और 3 से 4 हरी मिर्च को 2 टुकड़े में कट कर लिए हैं। और कढ़ाई में तेल रख दिया है, तेल गर्म हो चुका है और अब इसमें हम पनीर फ्राई कर लेंगे। दोस्तों सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और अब इसमें हम पनीर के सारे टुकड़ों को ऐड कर देंगे। दोस्तों कढ़ाई बड़ी है, इसमें सारे टुकड़े आ जाएंगे, इसलिए हमें बार बार फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। सारे पनीर के टुकड़े एक बार में ही फ्राई हो जाएंगे। दोस्तों ये टुकड़े जो हैं 3 से 4 मिनट में मीडियम फ्लेम पर, आप गैस का फ्लेम रखते हैं, आराम से फ्राई हो जाते हैं। इन्हें ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना फ्राई करना है कि जो पनीर का कच्चा वाला टेस्ट है वो निकल जाए बस। क्योंकि आप ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो पनीर जो है टाइट हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक तरफ से हल्के हल्के फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में हम पनीर की सब्ज़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कढ़ाई का एक्स्ट्रा ऑयल मैंने निकाल लिया है। अब इसमें मैंने लौंग डाल दी है, इसी के साथ ऐड कर देंगे काली मिर्च, 1 टीस्पून के करीब साबुत जीरा और चॉप्ड की हुई गार्लिक, कटी हुई हरी मिर्च, जो मैंने आपके साथ मसाले पहले शेयर किए थे वही मसाले मैं ऐड कर रही हूँ। और अब इसे अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। ब्राउन होने तक इन मसालों को भून लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अनियन की प्यूरी। दोस्तों इसे भी हम 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भूनेंगे, क्योंकि अनियन को जब आप ग्राइंड करते हैं या प्यूरी बनाते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा छूटता है, इसलिए थोड़ा सा इसे भुनने में टाइम लगता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इनका कलर चेंज होने लगा है, मसालों से ऑयल भी छूटने लगा, इसका मतलब ये लगभग भुन गए हैं। और अब इसी के साथ हम ऐड कर देंगे मसाले। तो इसके साथ मसाले में मैं दोस्तों ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर और 2 स्पून के करीब कोरिएंडर पाउडर, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं इसी टाइम मसालों को इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि इन मसालों के साथ ये मसाले भी भुन जाएंगे, इन्हें अलग से भुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मैंने मसालों को ऐड कर दिया है और अब इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे। दोस्तों ध्यान रहे, आप मसाले लो फ्लेम पर हमेशा भुनें, चाहे आप कोई भी सब्जी बना रहे हो। लो फ्लेम पर भुनने से क्या होता है कि दोस्तों मसाले जलते नहीं हैं और मसालों का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। तो दोस्तों ये मसाले लगभग भुन करके तैयार हो चुके हैं और अब इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर की प्यूरी। और टमाटर की प्यूरी को ऐड करने के बाद इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर चलाते हुए हम भून लेंगे, जिससे कि ये मसालों के साथ टमाटर की प्यूरी भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अब इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक और इसे मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसे ढक करके 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे कि सारे मसाले और प्यूरी अच्छे से पक जाए। तो अब मैंने इसे दोस्तों ढक दिया है और अब हम कर लेते हैं चेक। तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है और ये बहुत ही अच्छे से मसाले पक चुके हैं। आप देखिए, ये देखिए इनका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे दही। दोस्तों आप कभी भी मसालों में दही ऐड करें तो गैस का फ्लेम लो ही रखें, लो रखते हैं तो दही जो है फटता नहीं है और ये अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो जाता है। तो दोस्तों इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें हम ऐड कर देंगे फ्राई किया हुआ पनीर। तो दोस्तों मैंने इसमें पनीर भी ऐड कर दिया है और अब पनीर और मसालों को अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों पनीर और मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो दोस्तों पानी मैंने जिस टमाटर की प्यूरी जिस बाउल में मैंने बनाई थी उसी में मैंने एक बाउल इसमें ऐड कर दिया है।
पानी, दोस्तों पानी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं जितनी भी आपको ग्रेवी रखनी है। तो मैंने पानी को भी इसमें ऐड कर दिया है दोस्तों। अब इसमें हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो दोस्तों अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। दोस्तों अभी मैंने इसमें फ्रोजन मटर नहीं ऐड किए तो भी ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसे ढक करके 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे और पनीर बन करके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों सारे इंग्रेडिएंट मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और अब इसे हम ढक करके 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। दोस्तों आप चाहें तो इसमें पनीर मसाला भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पक गया है लेकिन अभी अच्छे से नहीं पका है, इसलिए हम 1 से 2 मिनट के लिए इसे ढक करके और पका लेंगे। तो ओपन करके अब हम कर लेते हैं चेक। आप देख सकते हैं दोस्तों इसका कलर चेंज हो चुका है और मसालों का टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया हुआ है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे पनीर मसाला और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। दोस्तों आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि पनीर मटर पनीर खाना किस किस को पसंद है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि आप लोगों को रेसिपी हमारे द्वारा बनाई गई पसंद आती है या नहीं। तो दोस्तों सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा एकदम ग्रेवी वाली एकदम मस्त टेस्टी सी लाजवाब पनीर बन करके तैयार हो चुकी है। मैंने गैस से उतार लिया है, आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा टेक्सचर आया हुआ है। तो अब इसे हम कर लेते हैं सर्व। दोस्तों ये खाने के लिए तैयार है। आप इसे पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और पनीर बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बन करके तैयार हुई है। मुझे तो पानी आ रहा है कि बस मैं तो तुरंत खाने में लग जाऊँ। तो दोस्तों आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अब इसे हमने हरी धनिए की पत्ती से कर दी है गार्निश। तो चलिए दोस्तों इंजॉय करते हैं और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और देखने के लिए वीडियो थैंक यू सो मच।